नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रामपुर की पूर्व सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री जयाप्रदा को नियमों के उल्लंघन मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। साल 2019 में कैमरा पुलिस मुख्यालय में जयाप्रदा के खिलाफ नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। अब रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को दोषी करार दिया है। कोर्ट का यह फैसला पूर्व सांसद जयाप्रदा के लिए बड़ी मदद है। फिल्म अभिनेत्री और यूपी के पूर्व सांसद जयाप्रदा पर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई है। सोमवार को ही इस मामले में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि आज फैसला आ सकता है और आज कोर्ट ने उनको दोष मुक्त किया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह संघ के संयोजक बनने के बाद आज मेरठ पहुंचे। वह पहले चौधरी चरण सिंह कॉलेज में जन शिक्षण संस्थान क्षेत्रीय सभा में गए और उसके बाद सरदना में एक क्लिनिक की परिचय सेवा में गए। पार्टी प्रतिनिधि सुनील रोटा ने बताया कि एसोसिएशन चीफ शाम को सीसीएसयू पहुंचे। इस कार्यक्रम में स्टेट फॉर एबिलिटी इम्प्रूवमेंट के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी शामिल हुए। इसके बाद वह शाम को भूनी चौराहा सरदना स्थित दो मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी क्लिनिक एंड ईआर का शुभारंभ करने पहुंचे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आगरा लखनऊ हाईवे पर तेज गति से जा रही गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में गाड़ी में जा रहे विशेषज्ञ की मौत हो गई। वहीं गाड़ी चला रहा दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। सीएचसी में इलाज के बाद डॉक्टरों ने घायल युवक को कानपुर रेफर कर दिया है। लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र के केपीएस सामुदायिक क्षेत्र के निवासी अभय कुमार पांडे ने बताया कि 35 वर्षीय विशेषज्ञ प्रत्युष पांडे गए थे राजस्थान अपने साथी अनुराग के साथ खाटू श्याम के दर्शन के लिए गए थे। गुरुवार को लौटते समय आगरा लखनऊ टर्न पाइक पर मकनपुर के पास उनकी किक डिजायर गाड़ी अनियंत्रित होकर जा रहे ट्रक से टकरा गई। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मारहारा पुलिस मुख्यालय क्षेत्र के मीरापुर कस्बे में लड़की के प्रेमी ने अपने पिता की सोते समय धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। मृतक की लड़की का पड़ोस में रहने वाले एक युवक से पिछले 4 साल से अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह बेटी पर उससे शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन पिता इससे इनकार कर रहा था। इस वजह से प्रेमिका के पिता की उसके प्रेमी ने हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित प्रेमी अपने परिवार के साथ घर से भाग निकला। शुक्रवार को कासगंज इलाके के ढोलना पुलिस मुख्यालय क्षेत्र से लड़की की बारात आनी थी। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। आगे की खबर आ रही है एटा से। यूपी में तूफान का कहर जारी। लगातार हो रही भारी बारिश और नेपाल से पानी आने के कारण सिद्धार्थनगर जिले की अधिकांश नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई तटीय शहर चारों तरफ से बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देश क्षेत्र अभिभूत है, सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। इसके चलते यातायात ठप है और शादियों का सीजन भी चल रहा है, इसलिए लोग बारात लाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।